अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी वाला डीआईवाई जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो बोहो स्टाइल वॉल आर्ट, तो वो हम आज बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कैनवस ले लिए, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से कोई भी कैनवस ले सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैंने यहाँ पर लिया है 30x40 सेंटीमीटर के कैनवस। तो यहाँ पर मैंने एक रफली अपना एक डिज़ाइन बना लिया जो मुझे कैनवस पे करना है। तो आप भी अपना कभी भी अगर आप कर रहे हो तो एक रफली पेपर पे आप एक अपना डायग्राम डाल लें ताकि आपको ईजी हो। यहाँ पर मैंने अपने कैनवस पे ये डायग्राम को उतार लिया, जो भी मुझे डिज़ाइन चाहिए था वो मैंने यहाँ पर डाल लिया। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है बोहो लुक के वॉल आर्ट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम घर में क्रिएट करें। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इसको डायग्राम को डाल लिया, जो भी मुझे डिज़ाइन चाहिए था वो डाल लिया, जो मैंने हेल्प लिया जो स्केल वगैरह। तो इस तरह की चीज़ों से अगर आप डायग्राम पहले से डाल लो तो ईजी हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो मुझे कलर्स चाहिए थे वो मैंने बना के रख लिए। तो पहले मैंने कुछ ट्राई किया कि किस कलर का मुझे चाहिए और कौन से कलर्स बना सकती हूँ। तो पहले मैंने कलर्स रेडी करके रख लिए हैं और कैनवस भी रेडी है और इसके ऊपर अपना डिज़ाइन भी रेडी है। तो अब हम इसमें कलर्स करेंगे। आप अपने कलर पैलेट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बोहो के लिए नॉर्मली न्यूट्रल टोन्स होते हैं, लेकिन मुझे ये कैनवस उस जगह पे यूज़ करना है जिस जगह पे मुझे ये कलर की रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से मैं ये कलर्स यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी अगर चाहो तो ये कलर यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से आप जो भी कलर यूज़ करना चाह रहे हैं वो कलर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपना पहला कलर कर लिया है। तो अगर आप इस तरह का अगर डिज़ाइन बना रहे हो तो फिर मैंने पहले इसको जितना मैंने डिज़ाइन फर्स्ट बॉक्स का डाला था वो मैंने यहाँ पर कर लिया है, और बीच वाले बॉक्स में हम फुल कलर करेंगे इसलिए मैंने वो हिस्सा छोड़ दिया है। आजकल बोहो स्टाइल वॉल आर्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये कलर्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप घर में क्रिएट कर सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी होता है। मुझे टोटल कॉस्ट हुआ है 3 यूरो 40 सेंट्स, ये टोटल कॉस्ट हुआ है। अगर आप इस तरह के वॉल आर्ट अगर आप खरीदो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 25 यूरोस 30 यूरोस के आपको 3 कैनवस इस तरह के कुछ मिलेंगे। और अगर आप घर पर बनाते हो तो आप देख सकते हो कि बहुत ही आपके बजट में इस तरह की चीज़ आपको घर पे रेडी हो जाएगी, और घर पे जब आप खुद बनाते हो तो उसकी फिर वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना सेकंड कलर कर लिया है। आप अपना ब्रश फ्लैट ब्रश लें, तो उससे ये होता है कि अगर आप फ्लैट ब्रश लोगे तो उसमें आपको कैनवस में कलर करने के लिए आसानी होगी। जो हमने लाइंस बनाए हैं, जो अपना जो डिज़ाइन हमने जो पेंसिल से बनाया वो भी अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, अगर ओवरलाइन भी अगर हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप उसको फिर से करेक्शन कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे कलर्स लग रहे हैं। मैंने थोड़े डार्क कलर्स लिए हैं, आप चाहे तो लाइट कलर्स भी ले सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरह से आप ये कलर्स बना सकते हो तो वो अगर आप चाहते हो तो फिर मुझे बताना कमेंट में, मैं आपके लिए ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह से आप ये कलर क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि यूजुअली अगर आप ये कलर अगर बाय करने जाओ तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मैंने जो घर में कलर्स थे उसी को मिक्स करके ये कलर बनाया है। और आप याद रखें इसके एजेस पे ज़रूर करें तो उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हम इसको वॉल पे लगाएंगे तो उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी, तो एजेस को आप ज़रूर करें। कुछ इस तरह से मेरा पहला कैनवस हो गया है तैयार। अब मैं यहाँ पर सेकंड कैनवस मैंने ले लिया है, तो अब हम उसमें कलर करेंगे।
तो पहले तो मैंने ऊपर के जो हाफ सर्कल है उसमें कर लिया था, और नीचे का जो रेनबो वाला सेक्शन था मैंने वो बाद में किया है। कुछ इस तरह से मेरा ये सेकेंड कैनवस तैयार हो गया था। अब मैंने ले लिया है थर्ड वाला कैनवस। इसमें डिज़ाइंस मैंने काफ़ी सिंपल लिए हैं, इससे होगा ये कि आपकी कैनवस अच्छी भी लगेगी, आपका वॉलर काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा, क्योंकि बहुत मिनिमल इसका डिज़ाइन है और बहुत इजी है, और आपको क्रिएट करने के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। तो मैंने जो सिंपल जो डिज़ाइन है मैंने उसको चूज़ किया है, और डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो। तो मैंने जो चूज़ किया है वो जो काफ़ी ट्रेंड में है आजकल, ये हाफ सर्कल मून के जो डिज़ाइन है ये काफ़ी ट्रेंड में है, इस वजह से मैंने ये कलर चूज़ किया है। आप देख सकते हो, आप ब्रश को आराम आराम से ही हटाएं, क्योंकि अगर आप जब सर्कल है या फिर एजेस में अगर आप कर रहे हो तो उसको थोड़ा आराम से करें, और फ्लैट ब्रश के मदद से करें तो उससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो कुछ इस तरह से मेरा थर्ड वाला कैनवस भी कंप्लीट हो गया है। जो मेरा सेकंड वाला कैनवस था, जो रेनबो था, मैंने ऑफ कैमरा किया है, क्योंकि वो काफ़ी उसको करीब से करना था, तो फिर इसलिए मैंने ऑफ कैमरा किया है। तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं मेरे कैनवस। तो ये बहुत इजी DIY है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और इस तरह के अगर आप वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं जो बजट में अगर आप कर सकते हो DIYs, तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं कोशिश करूँगी और भी DIYs लाने के लिए। अब मैंने वीडियो के लिए तो यहाँ पर ये कैनवस को एक ही वॉल पे मैंने चेंज करके लगाया है, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि कहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगी, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।